ये सेत शाहबुरहा का मजार है जो मस्तूर चतराल में वाक़ है। सेत शाहबुरहा का शुमार इस खित्ते के इब्तदाई मुसलमान मुबल्लिगों में होता है। उन्होंने 1119 हिजरी में बल्तिस्तान से इस्लाम की इशाअत शुरू की और गिलगित पुनियाल गुपी शबेर से होते हुए चतराल वारिद हुए। इस खित्ते में इस्लाम की इशाअत को हुए सिर्फ 300 बरस गुजरे हैं। पीर सैयद जलाली शाह, आप सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपका शजर नसब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपके जद अमजद हकीम नासिर खुसरो इस्माइली फिरके के एक मशहूर मुबल्लिग हो गुजरे हैं। उनकी हिदायत पर उन्होंने इस्माइली फिरके की तबलीग की और बदख्शान चतराल और पॉलिटिकल इलाके जात के लोगों को इस्माइली मसलक का पैरो बनाया। मौरूसी तौर पर इस्माइली इमामों की तरफ से इस इलाके में पीरी के मनसब पर आप मामूर हुए और आज तक ये सिलसिला जारी है। इसी नसब के मौजूदा पीर सैयद करम अली शाह जरूरखंड के हैं। साहब मौसूब के मुतलिक एक आम रिवायत है कि उन्होंने एक देव को काबू कर रखा था जो मिर्जा कचक के नाम से मशहूर है। उनकी 10वीं पुश तक ये देव उनके कब्जे में रहा। साहब मौसूफ और उनके औलाद को इस्माइली इमामों ने पीर के खताब से नवाजा था और आज तक ये सिलसिला उनके खानदान में जारी है। ये खानदान शुमाली इलाकेजात के इस्माइली फिरके पर ज्यादा असर रसूख रखता है। पीर जलाली शाह के बाद उनके साहबजादे पीर जमाली शाह पीरी के मसनद पर फाइज हुए। पीर सैयद जमाली शाह, आप पीर सैयद जलाली शाह के फर्जंद अर्जुमंद और मौजूदा पीर सैयद करम अली शाह के वालिद थे। आप निहायत ही नरम तबा और दूरअंदेश बुजुर्ग हो गुजरे हैं। आपको बाज सुधाने में बड़ी महारत थी। आपके पास हमेशा मुख्तलिफ किस्म के बाज होते थे। आपको अपने खानदानी खिदमात के सिले में मरहूम आगा खां साहब ने शुमाली इलाकेजात में इस्माइली कौंसिल का नायब सदर मुकर्रर किया था। आप तकरीबन 24 साल तक इस मनसब पीरी पर फाइज रहे। 1957 में आप 45 बरस की उम्र में अचानक हरकत कल्ब बंद होने से वफात पा गए और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन हुए। पीर सैयद करम अली शाह पीर सैयद जमाली शाह के फर्जंद अर्जुमंद हैं। आपने इब्तदाई तालीम गिलगित और फिर कराची से हासिल की। आप निहायत ही कम सिनी में अपने वालिद मोहतरम पीर सैयद जमाली शाह की वफात के बाद मसनद पीरी पर मुतमक्किन हुए। आपने नौउम्री ही में अपने वालिद की कमी को अपने मुरीदों में महसूस होने नहीं दिया। आप दीनी फराइज के अलावा सियासत में भी पेश पेश रहते हैं। आप चौथी मरतबा नॉर्दर्न एरिया काउंसिल के मुंबर बिला मुकाबला मुकर्रर मुंतखब हो चुके हैं। आप निहायत ही सखी, मेहनती, जफाकश, हसमुख और मलिनसार शख्सियत के मालिक हैं। इलाका ग्रिजर के सारे लोग आपको कदर की निगाह से देखते हैं। वो आप अपने इलाके की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। शहजादा बुरहानुद्दीन कोशदा, आप पीर शाह कलान के खानदान से थे। अपने जमाने के मशहूर दानिशमंद और जीरक आदमी हो गुजरे हैं। गवर्नर पुनियाल राजा मोहम्मद अनवर खान के मुशीर की हैसियत से तकरीबन 40 साल तक शेर किला में उनके साथ रहे और फिर वहां से कोशदा में जा आबाद हुए और वहीं तकरीबन 95 बरस की उम्र में वफात पाई। शुमाली इलाके जात और चतराल के इस्माइली पीरों की एक ग्रुप तस्वीर जो बंबई हिंदुस्तान में ली गई है। अफसर जान ब्रादर पीर सैयद नादिर शाह चतराल, शहजादा हाजी जान यासीन, पीर सैयद जमाली शाह चटोरखंड, पीर सैयद नादिर शाह हसनाबाद चतराल, पीर सैयद महमूद खातून चतराल, पीर गजन ठुक चतराल, गिलगित के राजा अलीदाद खान मीर जाफर खान वाली रियासत नगर के फर्जंद थे। उनकी वालिदा राजा गिलगित मोहम्मद खान की बहन थी। राजा मोहम्मद खान की कोई नरीना औलाद न थी। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी विरासत का हक उनके भाई अलीदाद खान को मिले। डोगरा हुकूमत ने राजा मोहम्मद खान की वफात के बाद अलीदाद खान को कमसिनी में राजा गिलगित बनाया। राजा अलीदाद की शादी पुनियाल के राजा ईसा बहादुर की साहबजादी से हुई। आपके चार लड़के थे, करीम खान, हुसैन अली खान, शारिस खान और अफजल खान। राजा अलीदाद खान 1870 में राजा गिलगित बने और 1920 में वफात पा गए। आप नाइकुई गिलगित में दफन हैं।
आपके बाद आपका लड़का करीम खान राजा गिलगित बना। राजा शारेज खान सितारे कायद आजम, आप गिलगित के मशहूर तरखने खानदान से ताल्लुक रखते थे और राजा अली दाद खान राजा गिलगित के फर्जंद थे। गिलगित स्काउट्स में सूबेदार की हैसियत से खिदमत सरंजाम दी और फिर कश्मीर मिलिट्री फोर्स में सूबेदार रहे। पेंशन पाने के बाद इंकलाब गिलगित रुनमा हुआ तो आपने जंग आज़ादी में खिदमत सरंजाम दी। इंकलाबी कौंसल ने सिविल काम चलाने के लिए जो कौंसल तश्कील दी थी उसके आप सरबराह मुकर्रर किए गए। बाद में आप ही की इस्तदा पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने नुमाइंदे मोहम्मद आलम खां को गिलगित भेजा। आपकी खिदमत के सिले में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे कायद आजम का तमगा दिया। आप नासिब राजा जाफर खान राजा अलीदाद खान के पोते और राजा करीम खान के साहबजादे थे। आप निहायत ही सादा लोग और आजाद मनुष्य इंसान थे। औलाद नरीना से वो उम्र भर महरूम रहे। आप हमेशा कौमी खिदमत में पोशा रहते थे। आपने अपने अहद में गिलगित में इस्माइली जमात खाना तालीम करवाया। राजा मुमताज अली खान का ताल्लुक खानदान रखने से है। आप राजा अली दाद खान के पोते और राजा मोहम्मद अफजल खान के साहबजादे थे। शुरू में महकमे माल में मुलाजमत अख्तियार की। मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहने के बाद तरक्की पाकर इलेक्शन कमिश्नर बराए शुमाली इलाकाजात के अहदे पर फाइज हैं। आप एक होशियार खुशखुल्क नवस शनास और जीरक ऑफिसर मशहूर हैं। राजा गौहर अमान, आपका ताल्लुक हुक्मरान खानदान खुशवक्त से था। आप निहायत जरी गयूर और एक आला किस्म के मुंतजिम थे। आपने रियासत हुंजा नगर के हुक्मरानों से दोस्ती कायम करके अपने लिए एक आज़ाद रियासत कायम करने में कामयाबी हासिल की। आपने अंग्रेजों और डोगरों को दो बार शिकस्त फाश दी। गिलगित से मस्तूज तक का इलाका फतह करके गिलगित को उन्होंने अपना सदर मकाम बनाया। उन्होंने दो बार गिलगित पर हुकूमत की है, एक बार 8 साल और दूसरी बार 5 साल। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने गिलगित में एक कला भी तामीर कराया जिसकी एक ऊंची बुर्जी आज भी गिलगित छावनी में उनकी याद ताज़ा करती है। गोहरमान जब बीमार हुए तो इसरार किया कि उनको गाकूच या यासीन ले जाया जाए। मरने से पहले वो वहाँ जाना चाहता था क्योंकि उसके खानदान के सारे अफराद वहाँ थे। जब उनको ले जाया गया तो रास्ते में गाकूच के मकाम पर 1860 को वफात पा गए। ये है गोहरमान का मजार जो नाजबर नाले के किनारे राजा पख्तून वली खान राजा गोहरमान के पोते और राजा मीर वली खान के फर्जंद थे। 1882 में महाराजा की फौज और कोह गिजर के लोगों के दरमियान मडूरी यासीन की जंग में बेतहाशा इंसानी खून बहा। इस लड़ाई के दौरान राजा पख्तून वली खान के वालिद राजा मीर वली खान फरार होकर चतराल गए और फिर वहां से दारेल तांगीर आए और वहां अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन बाद में राजा पहलवान खान के रजाई वालिद ने मीर वली खान को कत्ल किया। राजा मीर वली खान के दो लड़के मोहम्मद वली खान और पख्तून वली खान थे। बाप की कत्ल के बाद मोहम्मद वली खान राजा बना। दरअसल दारेल तांगीर में अवलन राजगी निज़ाम को मोहम्मद वली खान ने कायम किया था। मोहम्मद वली खान की वफात पर पख्तून वली खान कम उम्री ही में राजा बने। आप बहुत ही दाना मुदब्बिर होशियार हो इल्म दोस्त और बहादुर हुक्मरान हो गुजरे हैं। दारेल तांगीर पर मुकम्मल और तवील अरसे तक जिस राजा ने हुक्मरानी की वो पख्तून वली खान थे। राजा पख्तून ने अपना पायतख्त दारेल के गाँव जुगलोट को बनाया और अपनी रिहाइश के लिए एक मुस्तहकम कला भी तामीर करवाया। अपने जमाने में उन्होंने दारेल तांगीर के दरमियान खच्चर का रास्ता भी बनवाया। उन्होंने दारेल तांगीर में जकात और उश्र के निजाम का इंतजाम किया। उनके दौर में हर किस्म के फैसले शरी उसूलों के मुताबिक हुआ करते थे। उन्होंने तांगीर और साजिम के दरमियान जाले के जरिए आमदरफ्त रखकर उनको भी अपने काबू में रखा। यह बात मशहूर है कि राजा पख्तून वली खान के अहद में एक अंग्रेज कर्नल ड्रू मौलवी के रूप में तकरीबन 10 साल तक तांगीर की एक मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ाता और ये देखता रहा कि राजा पख्तून वली खान के असल अजायन क्या है। बाद में यही अंग्रेज कर्नल ड्रू गिलगित का पॉलिटिकल एजेंट भी बनकर आया जिसकी इंतहाई कोशिश रही कि याविस्तान का इलाका गिलगित एजेंसी के साथ शामिल हो। इस सिलसिले में उन्होंने राजा पख्तून वली खान को गिलगित आने की दावत दी। राजा पख्तून एक भारी हथियारबंद दस्ते के साथ कर्नल ड्रू से मिले गिलगित आए। इससे पहले राजा पख्तून वली खान दारेल तांगीर में काफी मकबूल थे लेकिन गिलगित आकर अंग्रेज हाकिम से मिलना और उनसे खिलत पाना यागिस्तान के आवाम को बुरा लगा। उनके बारे में ये बात मशहूर हो गई कि वो अंग्रेज हुकूमत से मिल गए हैं इसलिए लोग उनसे बदजन हो गए। एक दिन जबकि राजा पख्तून वली खान हजामत बना रहे थे कि उनके एक मुलाजिम ने उन पर पीछे से वार करके कत्ल कर दिया। उनकी कत्ल के बाद उनके खानदान के अफराद को सिर्फ मलिक मिस्कीन के वालिद मौलवी अब्दुर्रहमान ने पनाह दी और उन्हें यासीन तक बहिफाजत पहुंचाया। आपकी सारी जिंदगी जंग जदल में गुजरी।
राजा गुलाम मुहिउद्दीन अलमारूफ पहलवान खान। राजा पहलवान खान खुशवक्त हुकुमरान राजा गोहरमान के सबसे छोटे फर्जंद थे। अपने भाई मीर वली खान के कत्ल के बाद वर्षगुन की हुकूमत संभाली और यासीन को अपना पाया तख्त बनाया। काफी अरसा तक हुकूमत करने के बाद चतराल के कठोर खानदान की साजिश से दारिल में कत्ल हुए। पहलवान खान ने महाराजा और मेहतर चतराल से एक मुआहिदा तय किया था, जिसके तहत महाराजे की फौज को गुजर और चतराल की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकती थी और मेहतर की फौज पुनियाल और गिलगित की जानिब नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पहलवान खान शेर कला पर हमला आवर हुआ। इस अहद शिकनी की खबर मेहतर चतराल को मिली तो वो उनकी सरकोबी के लिए कोह गुजर की तरफ रवाना हुआ। ये खबर पहलवान खान को दलनाटी के मकाम पर मिली और वो शेर कला पर हमले का इरादा तर्क करके कोह गुजर की तरफ पलटे, ताकि मेहतर चतराल से, जो उनके ससुर भी थे, माजरत करें। मेहतर चतराल ने उनकी एक न सुनी और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की पादाश में उन्हें मुल्क बर्दर कर दिया। पहलवान खान पहले दीर गए और फिर दारेल तांगीर में वारिद हुए, जहां पर बिलाखर उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। ये एक यादगार तस्वीर राजा पहलवान खान की है, जो अपने दरबारियों के साथ बैठे हैं। ये तस्वीर 1878 में मेजर बिडल्फ ने यासीन में ली थी। तस्वीर में राजा पहलवान खान अपने छोटे बेटे शाह अब्दुलरहमान, पीर अब्दुल हमीद और बालबेग हाकिम के साथ बैठे हैं। इनके पीछे उनके दरबारी और अकाबरीन नजर आ रहे हैं। राजा शाह अब्दुलरहमान खां का ताल्लुक खुशवक्त खानदान से था। आप राजा पहलवान खां के साहबजादे थे और राजा दस्तगीर यासीन के वालिद थे। आपने बहसे तो हुकुमरान दो मरतबा यासीन पर हुकूमत की। आप बड़े सादा और सखी हुकुमरान तस्लीम किए जाते थे। आपने अपने अहद में यासीन में ताऊ स्कूल जारी करके काफ़ी लोगों को ताऊस में आबाद किया। गवर्नरी के दौरान अंग्रेज़ों ने आपको कश्मीर में जेर हरासत रखा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह शुबा था कि आप खुफिया तौर पर दारिल तांगीर से साजबाज रखते हैं, मगर बाद में मीर सर मोहम्मद नजीम खान वाली हुंजा की जमानत पर उनको वापस भिजवाकर दोबारा गवर्नर यासीन मुकर्रर किया गया और गवर्नर की हैसियत से 1934 में रहलत कर गए। जलावतनी का अय्याम में अस्तौर के मकाम पर ली हुई उनकी एक यादगार तस्वीर है, जिसमें शाह अब्दुलरहमान अपने 11 बच्चों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। राजा मोहम्मद रहीम अल मारूफ मजगश्ती राजा अब्दुलरहमान का छोटा भाई और राजा पहलवान खान के दूसरे फर्जंद थे। राजा मुराद खान के बाद 1932 में गवर्नर गुपिस बने। उनसे पेशतर आप वजीर जलास रहे। गवर्नर गुपिस की हैसियत से वो दो तीन साल ही रही होंगे कि आपका गला खराब हुआ और इलाज के लिए चतराल गए और वहाँ इसी बीमारी से 1937 में वफात पा गए। आपको अंग्रेज हुकूमत ने खां साहब का खिताब दिया। उनकी आबाई जमीन सुमाल और दही में दहीन और असुम्बर में है, जिस पर उनके औलाद अब भी काबिज है। आप एक अच्छे घुड़सवार, शिकारी और सितार नवाज थे। जिलास की पोलो टीम, जिसमें राजा मोहम्मद रहीम खान मजगश्ती खिलाड़ियों के साथ दरमियान में बैठे नजर आ रहे हैं। राजा सुल्तान मुहिउद्दीन चेकमितर आप राजा पहलवान खां के सबसे छोटे साहबजादे थे। दही निष्कोमन में आपको जमीन मिली थी। अंग्रेजों के अहद हुकूमत में उनसे ताल्लुकात अच्छे न होने की बिना पर फरार होकर आप दारिल तांगीर गए और वहाँ काफी अरसा मुकीम रहे, लेकिन बाद में वहीं पर कत्ल हुए। उनकी कोई नरीना औलाद नहीं। आप बड़े बहादुर, दिलेर और पुरतासीर शख्सियत के मालिक थे। घुड़सवारी, तैराकी और शायरी भी किया करते थे। आप एक अच्छे सितार नवाज भी थे। राजा पहलवान के बेटों की एक यादगार तस्वीर राजा मुहिउद्दीन चेकमितर। चेकमितर राजा अब्दुल रहीम मजगश्ती राजा शाह अब्दुलरहमान राजा सुल्तान मुराद खान खुशवक्त खानदान के राजा मोहम्मद रहीम खान के फर्जंद थे।
उन्होंने इब्तदाई तालीम गिलगित से पाई और फिर मिशन हाई स्कूल श्रीनगर से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। तालीम के बाद अपने वालिद राजा मोहम्मद रहीम खां मजगश्ती की वफात पर 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको गवर्नर इश्कोमल मुकरर किया। आप 1950 में मोजाइमित में वफात पा गए। आप भी राजा सुल्तान गाजी खां खुशवक्त खानदान से ताल्लुक रखते हैं और राजा मोहम्मद रहीम खां मजगश्ती के फर्जंद हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मिडिल स्कूल गिलगित से पाई और गिलगित स्काउट्स में सरदार की हैसियत से भर्ती हुए। 1950 में अपने बड़े भाई राजा सुल्तान मुराद खां की वफात पर उनकी जगह इश्कोमन के राजे मुकर्रर हुए। 1972 में जब से राजगी निज़ाम खत्म हुआ है आप पेंशन पा रहे हैं और इमित इश्कोमन में अब भी बकायदा हयात हैं। आप जमाने हाल के मशहूर सितार नवाज बाज बादशाह और दीगर शिकारी परंदों के शनाख्त और तरबियत में भी महारत रखते हैं। राजा गुलाम दस्तगीर खां शाह अब्दुलरहमान खां खुशवक्त के साहबजादे हैं। आपने इब्तदाई तालीम गिलगित और कश्मीर से पाई और वालिद की गवर्नरी की बहाली के लिए काफी जदोजहद की मगर ब्रिटिश हुकूमत ने कोई तवज्जो न दी। पाकिस्तानी इंतजामिया ने भी गवर्नरी दिलाने के बजाय उनको राजा अर्दल चिरास मुकरर किया। आप राजा अर्दल चिरास और दारे तांगीर रहे। आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप निहायत ही शरीफ सादा और खुशखुल्क इंसान हैं। राजा सुल्तान वली खान आपका ताल्लुक भी खानदान खुशवक्त से था। आप एक सखी और अच्छे मेहमान नवाज इंसान थे। सियासी गठजोड़ के माहिर थे। काफी अरसा यासीन और गुजर की गवर्नरी हासिल करने में कोशिश रहे मगर उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। आपके 12 लड़के हैं जिनमें गोहर वली हैदर वली और आजाद वली खां अच्छी शोहरत रखते हैं। ये उनके बुढ़ापे की एक तस्वीर है। राजा मोहम्मद आजम खां का ताल्लुक खुशवक्त खानदान से था। आप मरहूम राजा मोहम्मद रहीम खां के साहबजादे थे। आपने गिलगित से तालीम हासिल की और गिलगित स्काउट से मुंसलिक होकर सूबेदार की हैसियत से पेंशन पाए। उनकी खिदमत के सिले में उन्हें राजा अर्दल चिरास मुकरर किया गया। आप निहायत दिलेर और बड़े अच्छे मुंतजिम थे। आपको इंतजामी काबिलियत की बिना पर दारेल तांगीर का पहला राजा अर्दल मुकरर किया गया। वहां से पेंशन पाई और 1985 में इंतकाल कर गए। ये तस्वीर खुशपुर मोहम्मद नादिर खान फर्जंद शाह अब्दुलरहमान और मोहम्मद अयूब खान फर्जंद राजा मीरबाज खान की है। दोनों साहबान तवील उल उम्री के बावजूद अच्छी सेहत के मालिक हैं। आप दोनों जमाने की बेशुमार तलखियां और शीरनियां चख चुके हैं। खान साहब राजा हुसैन अली खान आप मकबूल खानदान जो कि बल्तिस्तान में कई सदियों तक हुक्मरान रहे हैं से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद राजा मुराद खान निहायत ही मामला शनास और मेहनती इंसान थे। उन्होंने जंग चतराल और जंग हुंजा में अंग्रेजों की मदद की और इन दोनों मुहिमों में ब्रिटिश अफसरों के मुआविन रहे। इस खिदमत के सिले में उन्हें राजा मोहम्मद रहीम खान खुशवक्ते की वफात पर कोहर-ए-गिज़र का गवर्नर मुकरर किया गया। उनकी वफात पर राजा हुसैन अली खान जो उस वक्त गिलगित स्काउट्स में सूबेदार थे गवर्नर इश्कोमन मुकरर हुए और फिर गवर्नर कोहर-ए-गिज़र मुकरर हुए। आप निहायत ही खुशखुल्क रोशन ख्याल मुदब्बिर और आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। आपको बहैसियत मेहमान नवाज अगर अपने वक्त का हातमताई कहा जाए तो बेजा न होगा। आप पाकिस्तान के दिली हामियों में से थे। दौरान जंग आज़ादी गिलगित आपने बजात खुद मोर्चों में जाकर मुजाहिदीन आज़ादी गिलगित की हौसला अफजाई की। लद्दाख और कारगिल के महाजों पर जाकर उन गाजियों से जिनकी सरकर्दगी गाजी मोहम्मद बाबर खान और गाजी मोहम्मद शाह खान कर रहे थे मिलकर मुजाहिदीन आज़ादी के जज्बे जहाद को उभारने में बेहद मदद की। ये तस्वीर उनके बुढ़ापे की है। राजा मुजफ्फर हुसैन खान की शादी पर ली हुई ये यादगार तस्वीर जिसमें राजा हुसैन अली खान मकबूल के साथ गाजी जौहर खान साहब भी नजर आ रहे हैं। गिलगित के हवाई अड्डे पर सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मरहूम की आमद पर वो राजा हुसैन अली खान के साथ मुसाफिया कर रहे हैं। उनके बाएं तरफ राजा महबूब अली खान और राजा सुल्तान गाजी खड़े हैं। कैप्टन अकबर हुसैन मकबूल आप शुमाली इलाकाजात के मकबूल खानदान के चश्मो चराग थे जो बरसों तक शुमाली इलाकाजात पर हुकूमत करता रहा है। आप 17 अप्रैल 1925 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गिलगित में हासिल की और उसके बाद सानवी तालीम के लिए श्रीनगर कश्मीर चले गए। वहां से वापस आकर गिलगित स्काउट्स में मुलाजमत इख्तियार की। बहसत वायसराय कमीशन अफसर इनकलाब गिलगित ने खिदमत सर अंजाम दी।
लद्दाख कारगिल के महाजों पर दुश्मन से बरसरे पेकार रहे और जंग आजादी के बाद आपकी खिदमत के सिले में आपको 10 मार्च 1949 को कमीशन अफसर मुकरर किया गया। आपने 1965 और 71 की जंगों के दौरान गुरेज, मनीमर्ग, अस्तोर और उल्डिंग बल्तिस्तान के महाजों पर अपने जवानों की क्यादत की। जनवरी 1972 में सेहत की खराबी की बिना पर फौजी खिदमत से सुबुकदोश हुए। उन्हें आरजे कल्ब की शिकायत हुई और इसी मरज से 17-18 अगस्त 1982 के दरमियानी शब को रहलत कर गए। आप अपने वालिद राजा हुसैन अली खान गवर्नर गुप्स की तरह नहायत ही खुशखुल, मेहमान नवाज और एक आज़ाद मन इंसान थे। आप अपनी बेलोस खिदमत, पुरवकार और हल्दी अजीज शख्सियत की बिना पर एक मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत थे। कैप्टन अकबर हुसैन मकबूल की ये यादगार तस्वीर अपने दोनों दामादों के साथ है, जिसमें एक तरफ मुजफ्फर हुसैन खां और दूसरी तरफ हैदर अली खां नजर आ रहे हैं। अपने वालिद राजा हुसैन अली खां मकबूल के साथ राजा अकबर हुसैन की एक तस्वीर। राजा सुल्तान मोहम्मद शाह का ताल्लुक मकबूल अली शेर खान इंचन वाली बल्तिस्तान के खानदान से है। आप अस्तोर के राजा गुलाम रजा खान के साहबजादे हैं। इब्तदाई तालीम गिलगित में, फिर मिशन हाई स्कूल श्रीनगर से पाई। इसके बाद अपने वालिद की जिंदगी में जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली की कानून साज असेंबली के मेंबर मुकर्रर हुए। इनकलाबी गिलगित के दौरान आपने मुजाहिदीन आज़ादी के साथ मिलकर खिदमत सर अंजाम दी और पाकिस्तानी इंतजामिया ने आपको सब इंस्पेक्टर पुलिस और बाद में नायब तहसीलदार मुकर्रर किया। नायब तहसीलदार की हैसियत से आपने अस्तोर, गुरेज, मनीमर्ग, केल और मुजफ्फराबाद में काम किया। मुजाहिदीन जंग आज़ादी के लिए रसद और रसाइल फराहम करने में आपने नुमाया खिदमत की हैं। जंग आज़ादी के बाद आपने देही तरक्यात के महकमे में मुलाजमत की और 1970 में मुलाजमत से मुस्तफ़ी हो गए। उसके बाद एडवाइजरी कौंसिल शुमाली इलाकजात में अपने हल्का अस्तोर से मेंबर मुंतखब हुए। 1971 में चंद निजी वजूहात की बिना पर मेंबरशिप से मुस्ताफी हुए और फिर 1973 में दोबारा पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर मुकरर हुए। आप एक नहायत मुखलिस, मालिनसार, हाजिर जवाब, जिंदा दिल और आज़ाद तबा शख्सियत के मालिक हैं। आप बोलो के अमानुल मुल्क मेहतर चतराल। अमानुल मुल्क रियासत चतराल के काबिल हुक्मरान हो गुजरे हैं। आप एक अच्छे मुंतजिम और एक मुदब्बिर सियासतदान थे। आपने तकरीबन 42 साल तक चतराल पर हुकूमत की। जब महाराजा की फौज ने गोहरमान पर हमला किया तो अमानुल मुल्क ने गोहरमान की मदद की। गोहरमान की वफात के बाद अमानुल मुल्क महाराजा के खिलाफ रहे। आपकी वफात के बाद आपके छोटे लड़के शुजाउल मुल्क मेहतर चतराल बने। हाजी शुजाउल मुल्क मेहतर चतराल। आप मेहतर चतराल अमानुल मुल्क के सबसे छोटे फर्जंद थे। वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों में इख्तदार के लिए कुछ तो खून हुआ। शुजाउल मुल्क 1895 में कम उम्री ही में मेहतर चतराल बने। बरतानवी हुकूमत ने उनको हिज हाइनेस का भी खताब दिया। शुजाउल मुल्क बड़े परहेजगार और आदिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपने दौर में कैलाश कबीलों को इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। उन्होंने चतराल में उश्र का नफाज भी किया और हज की शहादत भी पाए। राजा अली मर्दान खान गवर्नर इश्कोमल। आप शुमाली इलाकाजात में आने से पेशतर अलाका व खान के हाकिम थे, लेकिन वहां से बाद में चतराल के रास्ते अपने हमराहियों के साथ फरार होकर कोहर गजर आए। ब्रिटिश हुकूमत ने आपको आते ही इश्कोमल का गवर्नर मुकर्रर किया और उनके हमराहियों को इश्कोमल में आबाद किया, जिनको अब भी इश्कोमल में वाखिक के नाम से पुकारा जाता है। राजा अली मर्दान इलाका इश्कोमल में तकरीबन 50 साल तक गवर्नर रहे। उनकी मौत जब हुई तो उनकी मैयत को अफगानिस्तान ले जाया गया और वो वहीं दफन हुए। इस तस्वीर में राजा अली मर्दान के साथ बाएं तरफ से उनके मशीर आला काजी अब्दुल हुसैन खैबर खड़े हैं और उनके पीछे उनका एक मुलाजिम। राजा मोहम्मद वली खान राजा खान बहादुर बुरशे के पोते और राजा लंगर खान बुरशे के साहबजादे थे। आप नहायत ही होशियार, चाकू चौबंद, हाजिर जवाब और मामला फहम शख्सियत के मालिक थे। आप काफी अरसा हाकिम चलास रहे, लेकिन आपकी ब्रिटिश हुकूमत से बनती नहीं थी और चलास में अपने पूरे अरसे हुकूमत के दौरान उनके रोब में वो ना आए, जिस पर उन्होंने हाकिम चलास के ओहदे को घटाकर राजा अर्दल उसे बना दिया। लेकिन आप बहसियत हाकिम चलास ही पेंशन हुए। आपने अपने तमाम लड़कों को आला तालीम दिलवाई और उनके बाद उनके सारे बेटे आला ओहदों पर फाइज रहे।
राजा मोहम्मद वली खान की एक तस्वीर अपने बेटों के हमरा। बाएं से खड़े राजा महबूब वली खान, गोद में कर्नल मीर वली खान, साथ में फरमान वली खान और आखिर में राजा सल्तनत वली खान। राजा महबूब वली खान का ताल्लुक पुनियाल के हुक्मरान खानदान दुरुशे से था। आप राजा वली मोहम्मद खान हाकिम चिलास के साहबजादे और गिलगित एजेंसी के सबसे पहले तालीम याफ्ता फर्द थे। इब्तदाई तालीम गिलगित में मुकम्मल करके श्रीनगर जाकर FSC का इम्तहान पास किया। आप हॉकी और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे। तालीम से फारिग होने के बाद गिलगित आकर महकमे जंगलात में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर लग गए और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के अहदे पर पहुंचकर रिटायर हो गए। आप एक जफाकश, नहायत ही मेहनती और दयानतदार ऑफिसर मशहूर थे, जिसकी जिंदा मिसाल जुटियाल में चीड़ के दरख्तों का गुंजान जंगल है। इसके अलावा गुलमी का फॉरेस्ट नर्सरी भी उनके वक्त में बनी। ये दोनों नर्सरियां उनकी पेशवराना महारत की एक जिंदा मिसाल हैं। आप मेहमान नवाजी और खुशकिल्की में मशहूर थे। राजा नजूम वली खान भी राजा मोहम्मद वली मोहम्मद खान के फर्जंद थे। इब्तदाई तालीम गिलगित से और फिर श्रीनगर से हासिल की। तालीम से फरागत के बाद गिलगित आए और चिलास के वजीर मुकर्रर हुए। ये यादगार तस्वीर खुशपुर सुलेमान वली की शादी पर ली गई है, जिसमें बाएं से दाएं राजा सुल्तान हमीद खान, दरमियान में खुशपुर सुलेमान वली खान और राजा नजूम वली खान नजर आ रहे हैं। श्रीनगर प्रताप कॉलेज के बर्फ के मुजस्मे के साथ ली हुई एक यादगार ग्रुप तस्वीर। राजा सुल्तान हमीद खान, राजा नजूम वली खान और मुजफ्फर हुसैन। राजा सल्तनत वली खान भी राजा वली मोहम्मद खान बुरुशे के फर्जंद थे। इब्तदाई तालीम श्रीनगर से हासिल की। श्री प्रताप कॉलेज से FA का इम्तहान पास करने के बाद स्टेट पुलिस में ASI पुलिस भर्ती हुए। 1947 में इंस्पेक्टर पुलिस बने। 1948 के दौरान गिलगित आए और गिलगित में इंस्पेक्टर पुलिस बने। बाद में सुपरिंटेंडेंट पुलिस के अहदे पर पहुंचकर पेंशन पाए। 1982 में 76 बरस की उम्र में वफात पा गए। आप एक पुलिस अफसर होने के नाते अच्छी शोहरत के हामिल थे। आप अपने वक्त के हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रहे, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद में भी जहां कहीं हॉकी का कोई मैच होता तो आप वहां बुढ़ापे के बावजूद नजर आते। ये यादगार तस्वीर श्रीनगर में उतारी गई है, जिसमें बाएं से राजा सल्तनत वली खान, मोहम्मद अकरम खान और राजा सुल्तान हमीद खान नजर आ रहे हैं। राजा फरमान वली खान भी राजा वली मोहम्मद खान के साहबजादे हैं। इब्तदाई तालीम गिलगित और सानवी तालीम श्रीनगर से हासिल करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स से मुंसलिक हुए और बहसियत स्क्वाड्रन लीडर पेंशन पाई और शुमाली इलाकाजात की इंतजामिया में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से शामिल हुए और डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुए। आप नहायत ही सख्त गिर और आला इंतजामी सलाहियतों के मालिक माने जाते हैं। कर्नल मीर वली खान राजा वली मोहम्मद खान हाकिम चिलास के फर्जंद हैं। इब्तदाई तालीम गिलगित और बाद अजां मिशन हाई स्कूल श्रीनगर से हासिल की। 1940 में इंडियन फौज में आपने कमीशन पाई और दूसरी जंग अजीम के दौरान इटली में कैद हुए और कमाल होशियारी से ब्रिटिश आर्मी से दोबारा आ मिले। आपने बहसियत लेफ्टिनेंट कर्नल पाक आर्मी से पेंशन पाए। आप शुमाली इलाकेजात के वो पहले ऑफिसर हैं जिनको इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। पेंशन पाने के बाद आप नॉर्दर्न एरिया पुलिस के AIG और फिर वजारत दाखिला के रजिस्ट्रेशन दफ्तर के मुंतजिम की हैसियत से काम करते रहे। आप अपने वक्त के बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। कमीशन पाने के बाद उनकी एक यादगार तस्वीर, कर्नल मीर वली खान और राजा सुल्तान हमीद खान। राजा हुसैन वली खान, आपका ताल्लुक पुनियाल के हुक्मरान खानदान बुरुशे से है। आप मशहूर और नामवर हाकिम चिलास राजा वली मोहम्मद खान के पोते और मरहूम राजा महबूब वली खान के साहबजादे हैं। आपने इब्तदाई तालीम गिलगित और बाद में पिशावर से हासिल की। पिशावर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके खारिया में एक अमेरिकन फर्म के साथ अपनी मुलाजमत का आगाज किया। वहां से बाद में आकर नॉर्दर्न एरिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत की और तरक्की करके सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हुए।
बाद अजां आपने कोहिस्तान डेवलपमेंट बोर्ड में मुलाजमत की और वहां तकरीबन 5 साल का अरसा गुजारने के बाद 1985 में आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में सीनियर इंजीनियर के ओहदे पर काम करना शुरू कर दिया। आप एक माहिर इंजीनियर और शुमाली इलाकाजात में नहायत ही हर दिल अजीज शख्सियत रखते हैं। आपका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के इंजीनियरों में होता है। आप शुमाली इलाकाजात और चतराल तक अपने फ़राइज़ की अंजामदही के सिलसिले में अक्सर आते जाते रहते हैं, इसलिए आपकी शख्सियत इस पूरे इलाके में तारुफ़ की मोहताज नहीं है। राजा मुजफ्फर हुसैन खां की शादी पर ली हुई इस तस्वीर में दाएं से हुसैन वली खां, हाजी खान बहादुर, मुजफ्फर हुसैन और पीर सैयद करम अली शाह बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में बाएं से सल्तनत वली खां, हुसैन वली खां, मुजफ्फर हुसैन खां, मोहम्मद इस्माइल खां, हैदर वली खां और गाजी जौहर खां नजर आ रहे हैं। वजीर हुमायूं बेग हुंजा के मशहूर वजीर खानदान थरकिच से ताल्लुक रखते थे। बड़े मुदब्बिर, आकिल और मामला शनास वजीर थे। मीर सफदर अली खान के वजीर असदुल्ला बेग के छोटे भाई थे। मीर सफदर अली खान और वजीर असदुल्ला बेग की बाहमी साजिश से मीर गजन खान कत्ल हुए और जब अंग्रेजों को हुंजा के रास्ते ब्रिटिश कौंसल काशगढ़ तक डाक की रसद में रुकावट पैदा की गई तो वजीर मौसूफ ने इसकी सख्त मुखालफत की, जिस पर मीर गजन खान के कत्ल के बाद आपको जलावतन किया गया। उन्होंने मेहतर चतराल शुजाउल मुल्क के पास पनाह ली और फिर अंग्रेजों को फतेह हुंजा नगर की तरगीब दी, जिसमें बिलाखर उनको कामयाबी हासिल हुई। फतेह हुंजा के बाद वजीर मौसूफ को हुंजा का मौरूसी वजीर मुकरर करके अंग्रेजों ने उनको मीर मोहम्मद नजीम खां का मुशीर आला मुकरर किया। वजीर हुमायूं बेग ने मीर मोहम्मद नजीम खां की मोहब्बत से खिदमत की और हुंजा में बहुत सी असलाहत राइज करने में उनका हाथ बटाया। आप शुमाली इलाकाजात के नाम और हस्तियों में आला मकाम रखते हैं। वजीर ज़ादा इमाम यार बेग, आप वजीर हुमायूं बेग आप हुंजा के साहबजादे हैं। निहायत ही दिलेर, सख्त गिर और जरी इंसान थे। आपने गिलगित स्काउट्स में बहसियत सरदार अपनी खिदमत अंजाम दी और मीर सर मोहम्मद नजीम खां के अहद हुकूमत में उनके खास मोतमिनों में उनका शुमार हुआ। आप अपनी सख्त गिर और जरी तबीयत के बायस दौरान मुलाजमत गिलगित में चंद नामालूम अशखास के हाथों कत्ल हुए। वजीर सरवर खां वादी नगर के शीन कौम से ताल्लुक रखते हैं। आप वजीर सुल्तान अली के फर्जंद हैं। इब्तदाई सर्विस गिलगित स्काउट्स में हवलदार की हैसियत से शुरू की और नायब सूबेदार पेंशन होने पर मीर शौकत अली खान मीर नगर ने उन्हें अपना वजीर खास मुकर्रर किया और 1972 में जब मीरी निज़ाम ख़त्म हुआ तब तक वो उनके साथ काम करते रहे। वजीर सरवर पोलो के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। बाज बादशाह और शिकारी परिंदों को सुधाने और सिखाने के फन में यकता हैं। आजकल अपने गांव छपरोट में 95 बरस की उम्र के बावजूद अच्छी सेहत के मालिक हैं। ये ग्रुप तस्वीर 1911 में मौजूदा फतेहबाग और कदीम एजेंसी बाग में पब्लिक लाइब्रेरी के सामने ली गई है। राजा सिफत बहादुर पुनियाल, मीर शाह सिकंदर खान नगर, मैकफर्सन पॉलिटिकल एजेंट गिलगित, मीर सर मोहम्मद नजीम खान हुंजा। राजा अली मर्दान खान इश्कोमन, राजा अली दाद खान गिलगित, पीर शाह कलान इश्कोमन, सैयद हजरत साहब बदख्शान, वजीर हुमायूं बेग हुंजा, खुश जाओ मुराद खान अस्तोर, मेहतर जाओ बादशाह सुमाल, वजीर शाह मिर्जा गिलित, राजा हुसैन अली खान अस्तोर, जनरल फरमान अली,
वजीर खुदामान नगर, वजीर शुक्रुल्ला बेग हुंजा, गुशपुर मीरबाज खान पुनियाल, गुशपुर खसरो खान नगर, गुशपुर मोहम्मद अली नगर, मोहम्मद शरीफ फर्जंद राजा सिफत बहादुर, राजा महबूब अली खान यासीन, मीर गजन खान हमजा, शुमाली इलाकों के मशहूर राजों की एक ग्रुप तस्वीर, मीर शाह सिकंदर खान वाली नगर, राजा अली मर्दान खान गवर्नर इश्कोमन, मीर सर मोहम्मद नजीम खान वाली हुंजा, राजा सिफत बहादुर खान गवर्नर पुनियाल, राजा मोहम्मद अनवर खान पुनियाल, राजा हसन खान अस्तोर, ।1942 में शंदुर टाप पर गिलगित के चंद राजों की एक यादगार तस्वीर जिसे पॉलिटिकल एजेंट कॉप ने बनाई, खान साहब हुसैन अली खान, खान बहादुर अनवर खान, मेहतर चतराल मुजफ्फर उल मुल्क, राजा महबूब अली खान, मीर हकीम, ये एक यादगार तस्वीर 18 मार्च 1939 को चटोरखंड रेस्ट हाउस में मेजर गिलबर्ट के साथ बनाई गई है। उस दिन राजा सुल्तान मुराद खान को गवर्नर इश्कोमन और राजा हुसैन अली खान को गवर्नर इश्कोमन को गवर्नर गुपिस मुकरर किया गया था। इस तस्वीर में राजा मीरबाज खान यासीन, राजा मोहम्मद अनवर खान पुनियाल, राजा सुल्तान मुराद खान इश्कोमन, गिलबर्ट पॉलिटिकल एजेंट गिलगित, राजा हुसैन अली खान मकबून गुपिस, खान साहब मोहम्मद नसीपाल इंडियन असिस्टेंट गिलगित, हकीम मुंशी अब्दुल रशीद एजेंसी, और 1952 में वजीर आजम पाकिस्तान खान लियाकत अली खान गिलगित तशरीफ लाए। उस दौरे के दौरान ली गई इस तस्वीर में राजगान बल्तिस्तान लियाकत अली खान से मुसाफिया कर रहे हैं, जिसमें नुमाया तौर पर राजा स्कर्दू दाएं से बाएं को, उनके पीछे साफे में राजा सुल्तान हमीद खान इंस्पेक्टर पुलिस, राजा खरमंग वजीर वलायत अली, राजा फत अली खान खपुलो नजर आ रहे हैं। शुमाली इलाकों के राजों की एक तस्वीर, ये तस्वीर हवाई अड्डे पर उतारी गई है, जिसमें राजा सुल्तान गाजी खान इश्कोमन, राजा जान आलम पुनियाल, मीर मोहम्मद जमाल खान हुंजा, राजा महबूब अली खान यासीन, मीर शौकत अली खान नगर, राजा हुसैन अली खान गुपिस नजर आ रहे हैं। आखिरी तस्वीर के आखिरी किनारे पर राजा गिलगित जाफर खान, ये तस्वीर शुमाली इलाकों के चंद कदीम राजों की है, जिसमें दाएं से बाएं को राजा महबूब अली खान गवर्नर यासीन, राजा खिसरो खान छाल्प नगर, मीर सर मोहम्मद नजीम खान हुंजा और मीर शाह सिकंदर खान नगर। हुकूमत बरतानिया के अफसरों के साथ शुमाली इलाकों के राजों की ये तस्वीर मौजूदा पब्लिक लाइब्रेरी यानी फतेहबाग में उतारी गई है, जिसमें फर्श पर बैठे हुए राजा खिसरो खान सफेद साफे में, कुर्सियों पर बैठे हुए बाएं से राजा बहादुर खान अस्तोर, हाजी अकबर खान पुनियाल, मीर नजीम खान हुंजा, मीर सिकंदर खान नगर, शाह अब्दुलरहमान यासीन और वजीर हुमायूं बेग हुंजा, पीछे खड़े बाएं से राजा हसन खान अस्तोर और ब्रिटिश अफसर हैं। 1949 में जब गिलगित एयरपोर्ट की इफ्तिताह की तकरीब हुई तो यह तस्वीर उस रोज उतारी गई है। इसमें राजा सुल्तान मुराद खान गवर्नर इश्कोमन, राजा साजिद अली खान अस्तोर, राजा जाफर खान गिलगित, आजाद खान एपीए गिलगित, राजा सुल्तान हमीद खान, राजा मोहम्मद अनवर खान वजीर वलायत अली, मीर शौकत अली खान, राजा मोहम्मद करीम खान, मीर मोहम्मद जमाल खान, जनरल शेर खान, सरदार मोहम्मद आलम, मेराजुद्दीन एजेंसी सर्जन गिलगित।
1948 में सलामती कौंसिल की इंस्पेक्शन जमात गिलगित के पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर से बाहर निकल रही है, जिसमें सरदार मोहम्मद आलम खान पॉलिटिकल एजेंट नुमाया तौर से नजर आ रहे हैं। जब ये टीम गिलगित पहुंची तो गिलगित के लोगों ने निहायत ही गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। ये तस्वीर 1860 में ली गई है। गिलगित छावनी में ली हुई इस तस्वीर के आकब में हराली की पहाड़ियां नुमाया तौर से नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में मकामी अकाबरीन के हमरा बदेशी सिख भी नजर आते हैं। इस तस्वीर में मकामी अकाबरीन और कश्मीर से आए हुए बदेशी सिख भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उसी तस्वीर की एक झलक है। ये तस्वीर अस्तोर के मकाम पर 1860 को ली गई है, जिसमें सिख मकामी राजे और मौजजीन घोड़ों पर सवार हैं। कदीम रिवायती मलबूस में रवायती साजंदों की यह तस्वीर भी अस्तोर में उतारी गई है। ये कदीम तस्वीर छल्त के मकाम पर छल्त कला की तामीर के दौरान उतारी गई है। बोंगसले या शेवछार, ये वो मकाम है जो किसी जमाने में सख्त तरीन घाटी, खतरनाक और तंग गुजरगाह तस्वीर की जाती थी। जमाने कदीम में वालिया ने हुंजा नगर इस मकाम पर अपने लेवी रखते थे, जो आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखते थे और राहदारी के बगैर किसी शख्स को अपने हुदूद में दाखिल होने नहीं देते थे। इस मकाम को बोंगसले और शेवछार के नाम से याद किया जाता है। अमूमन इस मकाम पर कदीम जमाने से बर्फानी लानी आती रहती है और आमोदरफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। ये गिलगित के कदीम सितार नवाजों और साजिंदों की एक नादिर तस्वीर है। गिलगित छावनी में जवान नाचने में मसरूफ हैं। ये एक कलमी तस्वीर है। मकामी बाशिंदों की एक और कदीम कलमी तस्वीर।